Ja, det är सरकारी स्कूल से भी पढ़ के बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। स्कूल स्कूल है लेकिन समझने से सब है, कारण कि वही किताब जो खरीद कर बच्चा लोग लाता है तो बोलता है प्राइवेट है स्कूल में है, इसलिए किताब का ज़्यादा ये है। वही किताब सरकारी स्कूल में मिलता है तो इसका ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन पढ़ने से तो सब कुछ, किताब एक ही है, शिक्षा एक ही है, पढ़ाई करने से सब बच्चा आगे बढ़ सकता है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, मन से पढ़ने से बच्चा आगे बढ़ सकता है। महसूस तो अच्छा हो रहा है अभी, हाँ, कारण कि बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया बच्चा को। हाँ, वो जब भोपाल में वो गया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तो उसके पास में, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हाँ, उसके बाद में मैं उसको बोला कि बेटा तुम इधर पढ़ो, वो बोला कि नहीं यहाँ तो नहीं पढ़ूँगा मैं, हाँ मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ूँगा मध्य प्रदेश में। हाँ, तो उसको पढ़ाने के लिए अब हमको लोन निकालना पड़ा। हाँ, 50,000 मैं निकाला बिना बोरी स्टेट बैंक से, और 50,000 मेरा मिसेज निकाली आंध्र भाषा बैंक से, जहाँ की उसको सैलरी मिलता है वहाँ से। हाँ, अब वही मिला करके उसको एडमिशन कराए वहाँ पर। हाँ, अब वो कभी कॉलेज में जाता था तो कभी भूखे चला जाता था, खाना अपने बनाना था उसको, और बना के अपने खा के जाता था कॉलेज में। ये मोरागढ़ चाय बागान का एक भाग्य है कि ऐसे बागान में भी विशाल शाह जैसा एक वैज्ञानिक पैदा हुआ, जिस माँ ने उसे पैदा किया, जिस पिता का वो बेटा है, जिस परिवार का वो सदस्य है, ये बड़ी बात है। और मोरागढ़ चाय बागान के जो भी पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये प्रेरणा है, इनसे प्रेरणा लेकर के इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छोटे बच्चे जो भी पढ़ते हैं, रहा बात कि आज का दिन में कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र हमारा बहुत ही नीचे गिर चुका है, तो शिक्षा में सुधार का आवश्यकता है। अब पढ़ने वाला तेज विशाल था, इसलिए वो सरकारी माध्यम के स्कूल से भी वो आगे बढ़ गया। ये अब पढ़ने पे मैटर करेगा, खुद से पढ़ेगा तो वो तो बच्चा को ही पढ़ना है ना। अब स्कूल वाला क्या होता है, जैसे अगर अच्छा स्कूल होगा तो उसको रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएगा, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा खोजने में हर चीज़। पर यह क्या है कि अगर स्कूल में अगर सही से नहीं हो रहा है, या फिर मान के चलिए कि कुछ अगर थोड़ा मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा क्या है, थोड़ा बच्चा को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उन लोगों को तो ये देंगे कि जैसे थोड़ा सोच के रखिए, मतलब कि हमको कुछ करना है थोड़ा ऊपर का सोच के रखिए, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ ऐसे ही सोच के रखते हैं कि काम कर लेंगे ख़त्म हो जाएगा, पर वैसा नहीं है ना। थोड़ा मतलब ऊपर का सोच रखिए कि हमको कुछ करना है बोल के तो कुछ होगा। अब सिर्फ ये सोचेंगे कि चलो यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहीं पे बगान में काम करने लगते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना बाद में जाके, वो यहीं पे रह जाएंगे।